हम सीखेंगे आर्टिकल का प्रयोग। आर्टिकल तीन टाइप के होते हैं, ए एन दा। तो आज की वीडियो में हम सिर्फ ए और एन का यूज़ सीखेंगे, जो आपने बचपन में रूल पढ़ाया होगा कि ए ई आई आई ओ ओ यू यू के आगे एन लगा देते हैं और बाकी के आगे अपन ए लगा देते हैं। लेकिन ये नियम बहुत सारी जगहों पर गलत हो जाता है, जैसे कि हॉनेस्ट लिखें अपन तो ये एच से शुरू हो रहा है, वोवेल से शुरू नहीं हो रहा है, फिर भी इसके आगे एन लगाया जाता है। यदि आप वोवेल वाले नियम के अनुसार इसके आगे ए लगा के आएंगे तो वो गलत हो जाएगा, तो एन ऑनेस्ट होता है। तो आज मैं आपको नियम बताऊंगा, क्या है वो नियम, चलिए देखते हैं। आ से लेके आ तक के बीच में जो शब्द आएंगे उनके आगे एन लगाते हैं, कैसे, जैसे कि हॉनेस्ट है तो हॉनेस्ट को अपन को ऑनेस्ट पढ़ते हैं, इसको तो ऑनेस्ट हिंदी में लिख के देखते हैं, ऑनेस्ट जी ओ है। आ से लेके आ तक के बीच में ओ आता है, हाँ आता है, तो उसके आगे एन लगा दिया जाएगा। कोई सा भी वर्ड हो आपको उसको सबसे पहले हिंदी में लिख के देखना है, फिर उसके आगे आपको आ से लेके यहाँ तक चेक करना है, फिर उसके आगे आप एन लगा देंगे। जैसे कि हम देखें, यूनिवर्सिटी। अब अगर आप वोवेल वाले नियम के हिसाब से करेंगे तो उसके आगे आप एन भर देंगे, लेकिन वो गलत हो जाएगा। यूनिवर्सिटी को आप हिंदी में लिख के देखें, यूनिवर्सिटी के आगे या आता है, यू या आ से लेके आ तक के बीच में या नहीं आता है तो उसके आगे हम लोग ये लगा देंगे। हम आगे प्रैक्टिस करेंगे आर्टिकल्स भरने की। आपको इसके आगे आर्टिकल्स भरने हैं। अब जैसे बॉय का तो आपको सिंपली पता ही है इसके आगे क्या आएगा, लेकिन अगर आप कंफ्यूज होते हैं तो आप इसको हिंदी में लिख के देख सकते हैं, बॉय बॉय। बॉय का जो शुरू का बा है ये आ से लेके आ तक के बीच में नहीं आता है तो उसके आगे हम लोग एन नहीं भरेंगे, ए भरा दिया जाएगा। जी बिल्कुल सही है। अब ये एल सी डी, एल सी डी लिख के देखें। एल सी डी का जो पहला अक्षर है ए, आ से लेके आ तक के बीच में ए आता है तो उस एल सी डी के आगे हम लोग एन भर देंगे। अब ये है हम्बल, हम्बल को हिंदी में लिख के देखें। हम्बल का हा आ से लेके आ तक के बीच में नहीं आता है तो उसके आगे हम लोग एन नहीं लिखेंगे, ए लिख देंगे। एप्पल, एप्पल का ए आ से लेके आ तक के बीच में आता है तो उसके आगे हम लोग एन लिख देंगे। आपको सिर्फ और सिर्फ एक नियम याद रखना है कि यदि कोई शब्द जो वर्ड दिया इंग्लिश का उसको हिंदी में लिखने पर उसका पहला लेटर आ से लेके आ तक के बीच में आ रहा है तो उसके आगे एन लिख देंगे, अन्यथा ए लिख देंगे। यही सही नियम है। अगर आप वोवेल वाले नियम के अनुसार करेंगे, ए आई यू यू के आगे एन लगा देंगे, तो ये हर बार सही नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा।